स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। तो देखिए इसके लिए क्या किया है मैंने, 4 से 5 यहाँ पे बड़े बड़े टमाटर ले लिए हैं और उनका बीच से हरा हिस्सा निकाल करके इस तरीके से पहले हम इन्हें मिक्सर में डाल लेंगे और साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च या फिर स्वाद के अनुसार आप ले लीजिए आपको जितनी चाहिए और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल सी चीजें ही हमारे खाने के टेस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो हम इसका बना लेते हैं प्यूरी और साइड में रख देते हैं और चलिए हम अपना मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने होममेड पनीर लिया है यहाँ पे और इस होममेड पनीर के साथ में हम मिक्स करेंगे उबले हुए आलू। जब हम आलू की कोफ्ते बना रहे होते हैं तब हम उसमें अगर थोड़ा सा पनीर मिक्स कर दें तो उसका स्वाद जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आलू और पनीर दोनों ले लिए हैं। क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से एक साथ ही मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालने वाले हैं और मसाले डालने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अमचूर पाउडर। हम इनके कोफ्ते की बॉल में भी यहाँ पे मसाले ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको थोड़ा कम पकाने वाले हैं इसलिए। और अब हम यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है इसमें हमें बाइंडिंग देगा, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है। अब हम इसे देंगे एक अच्छा सा मिक्स जिसमें हमारे सारे मसाले और कॉर्नफ्लोर और ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें चिकनी चिकनी बॉल्स बनानी है ताकि ये फटे नहीं और अच्छे से हम सारे मिश्रण की बॉल्स रेडी कर लेंगे। और ये देखिए सारे मिश्रण की बॉल्स रेडी और ये हमारी छोटी सी एक बॉल। चलिए सारे कोफ्ते हमारे रेडी हैं, अब हम इन्हें तल लेते हैं। तो हमने चढ़ा दी है अपनी एक कढ़ाई जिसमें हम करेंगे डीप फ्राई। अब इसको हम फटाफट यहाँ पर तल लेते हैं। सिम पे ही गैस है, तेल गरम है मगर सिम पे गैस है, तो इनको हमें ध्यान से तलना है। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो फटे नहीं। हालांकि हमने इसमें सारे मसाले ऐसे ही ऐड किए हैं जिसकी वजह से ये तले फटे नहीं, फिर भी अगर आपके कोफ्ते फट रहे हों तो आप अपने मिश्रण में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल लीजिएगा जिससे कि आपके कोफ्ते बिल्कुल नहीं बनेंगे। देखिए बातों बातों में गोल्डन ब्राउन हो गए और हमने सारे कोफ्तों को अलग कर लिया। अब हमने चढ़ाई है कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा बटर जो कि हमारे टेस्ट में 4 चांद लगाएगा। अब हम इसमें अपने खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हमने डाला है तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, हरी इलायची और हींग। इन सब मसालों को हम 2 मिनट के लिए इसमें ही रहने देंगे और इसको अपना फ्लेवर रिलीज करने देंगे। साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं जीरा, मिर्ची और हल्दी। डालने के बाद हम हिलाएंगे इसको अच्छे से, फिर हम इसमें अपनी जो हमने प्यूरी तैयार की थी वो डाल देंगे और इस प्यूरी से को हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना है। सारा खेल ना सब्जी में प्यूरी का ही होता है। आप इसको जितना अच्छे से भूनेंगे ना आपकी सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो हमें इसे जब तक भूनना है जब तक के इसमें से घी रिलीज ना हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें यहाँ पे डाल दिया है सारिका स्पेशल गरम मसाला।
और इसे फिर से हमने भूनने रख दिया है। तो ये देखिए, ये हमारी टोमेटो प्यूरी अच्छे से भुन गई है, इसमें से घी रिलीज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास करीब पानी लिया है, और ये है कसूरी मेथी, जिसको कि हम क्रश करके अच्छे से यहाँ पे डालेंगे। इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि मैं क्या बताऊं। जब भी आपको मन हो बनाने का कुछ अलग, तो आप ये आलू के कोफ्ते की करी जरूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें अपने तले हुए कोफ्ते डाल देंगे, आराम से, धीरे धीरे से, थोड़ा प्यार से। इसमें हम सारे अपने कोफ्ते ऐड कर देते हैं ताकि वो फटे नहीं, और फिर हम इसे ढक करके यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल करने से कोफ्ते फट जाएंगे, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा बॉईल करेंगे और हल्के हाथों से ज़रा सा मिक्स देते हुए इन्हें हम यहाँ पे पका लेंगे। तो चलिए, हमारी स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार है। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए जरूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए।